नकली सीबीआई बनके लुटन आए सी लुटेरे अंदर तलाशी करते समय कड लई सारी नकदी लोका दे आउन ते लुटेरिया ने कड लई पिस्तौल। तां दस दिए कि एक शख्स दे घर दे विच नकली सीबीआई दी टीम बनके कुछ लुटेरे वड़दे ने तां उसका मालक मौके ते मौजूद नहीं हुंदा ते घर दे विच उसदे दोस्त हुंदे ने। तां दस दिए कि इन्हां दे वल्लों अंदर वड़ के तलाशी लैणी शुरू कर दित्ती जांदी है। तां जिवें ही उसदे दोस्त नूं इन्हां दे आउण दा पता लगदा तां उह इन्हां नूं कहिंदा है कि उह अपने दोस्त नूं बुला लवेगा ते फिर उह लोकल पुलिस नूं भी इनफॉर्म कर देवेगा, जिसनों सुन के लुटेरे भड़क जाते हैं तो इन्हों के नाल कुटमार कर लग जाते हैं। तो उन्होंने वालों तलाशी ली जाती है तो अंदर पे 40,000 रुपये कट ले जाते हैं। तो मौके पर दोनों दोस्तों के फोन भी वह अपने नाल ले जाते हैं। तो फिर इस शख्स के वालों रौला पाया गया तो गली दे विच कई लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो लुटेरिया के नाल हथों पाई होंगे ने कपड़े तक फट जाते हैं। तो जिस तो बाद एक लुटेरे दे वल्लों मौके ते गन कढ़ ली जांदी है ते फिर यह फरार हो जांदे ने। तां दस दईए कि पूरा मामला लुधियाणा तो सामने आया जिथे पुलिस दे वल्लों हुण इन्हां लुटेरियां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। तां घर दे विच दस दईए कि नकली सीबीआई बन के आए सी तां अंदर वड़ के इन्हां दे वल्लों तलाशी ली गई, कुटमार की गई ते 40,000 रुपये की नकदी कढ़ी गई सी। तां जांदे होए यह पिस्तौल की नोक ते मौके तों फरार होए सी ते पुलिस दे वल्लों कार्रवाई करदे होए इन्हां नूं हुण काबू कर लिया गया। मैं उस समय घर पे था, अंदर बैठ नहा रहा था, मैं कुक जो था खाना वाना बना रहा था। एक बंदा अंदर घुसा, अंदर घुस के वो उन्होंने बोला कि मैं किसी ऑफिस से आया हूँ, हाथ में रजिस्टर वगैरह पकड़ रखे थे उसने। फिर एक बंदा वो जैसे घुसा ना उसके पीछे 3 बंदे और घुस गए। फिर कुक के साथ काफ़ी मारपीट आई कि क्योंकि हम सीबीआई वाले आए हैं, सीबीआई वाले आए हैं, सारा हमें सारा तलाशी करनी है। फिर मैं अंदर कमरे में नहा रहा था, फिर मैं बाहर उन्होंने हमारा मेरा दरवाज़ा खुलवाया। मैं जैसे कि गेट से बाहर निकला मेरे को बोलते हैं सीबीआई वाले हम सीबीआई से हैं, सारी तलाशी लेनी है। और मेरे को जैसा धक्का मुक्की कि मैंने बोला अच्छा आप सीबीआई से आए तो बैठो, कोई नहीं हम बुला देते हैं, जो जिसको आप ढूंढ रहे हो उनको बुला देते हैं, बैठो चाय पानी पियो, मैं पुलिस बुलाता हूँ कि मैं लोकल पुलिस बुला देता हूँ आप बैठो। फिर वो फिर और अग्रेसिव होकर हाथापाई करने लगे। उसके बाद से सारे दराज खोले, अलमारियाँ खोली, एक एक चीज़ सारा वो इधर उधर करके ढूंढने लगे कहाँ क्या पड़ा है। फिर उनको कुछ नहीं मिला, फिर अंदर जो अलमारी के थोड़े बहुत पैसे पड़े थे 40,000 वो उठाया उन्होंने, और मेरा फ़ोन और कुक का फ़ोन लेके जब हमने शोर मचाना शुरू कर दिया कि चोर चोर चोर, फिर आजू बाजू पड़ोसी सारे आगे नीचे उतर के फिर वो फिर भागे वो। और बाहर जाते जाते उन्होंने रिवाल्वर या कोई गन थी उनके पास वो निकाला, फिर सारे जो आजू बाजू के लोग थे वो डर के पीछे हो गए, फिर वो अपने कार में बैठे निकल गए। ये आपके दोस्त का घर है? हाँ जी, मेरे दोस्त का घर है। आप अक्सर आते हैं? नहीं, अक्सर हम आते रहते, कभी 5-6 महीने पे, कभी साल पे आना जाना होता है। तो पता चला है पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पता चला कि पुलिस ने पकड़ा उनको। मेरा नाम सूरज है सर। और मेरे को ना सर उन लोग ने अचानक से आए हैं, बहुत मतलब अचानक से, मतलब सीवियर मतलब सिंपल सा बन के आए थे। सिंपल बन के आए तो सर मारने लग गए, मतलब इधर उधर की करने लग गए। मैंने बोला सर आप सीबीआई लो, मतलब पुलिस वाले जो भी है मतलब बैठो, आप चाय वाय पी लो, पानी वानी पी लो, इतना बोला भी उन लोग, तब भी नहीं सुना। मेरे को मारने लग गए तो अंदर गए जाके, फिर लास्ट में मैंने मतलब मैंने कुछ भी नहीं हुआ, दरवाज़ा तोड़ रहे थे तो फिर मैंने भैया को बोला कि भैया ना रहे थे, भैया से बोला कि भैया तुम ये कर लो, बोल के उनसे बोला बस इतने ही। मालिक कहाँ थे घर के? मालिक सर रायगढ़ थे, मतलब मालिक नहीं थे घर के। ये कौन आए थे? ये गेस्ट है सर, मतलब ये भैया आते रहते ये मतलब बार आते। तो कितने क्या लेके गए घर से? इधर से सर मेरा फोन लेके गए, मेरा फोन लेके गए और 2 फोन उनके लेके गए, 1 आईफोन लेके गए और पैसे लेके गए। तो फिर पुलिस को बता दिया था? हमने पुलिस को बताया, फिर तुरंत हम लोग ने पुलिस को बताया, फिर आजू बाजू की जो पब्लिक थी वो भी आ गई थी। ये बात है।